प्रदेश में हो रही मार्ग दुर्घटना को देखते हुए योगी सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाने का शासन ने आदेश जारी किया है, जिसको लेकर आरटीओ यातायात विभाग समेत अन्य सहयोगी संगठन के लोगों ने लोगों से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन ने महानगर स्थित शास्त्री चौक चौराहे पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री व गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के संरक्षक इंजीनियर पी के मल, विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला और आरटीओ अनिता सिंह रही। कार्यक्रम के दौरान गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों को माला पहनाकर और बुके देकर सम्मानित किया गया। आरटीओ अनिता सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम कराने के पीछे उद्देश्य है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता हो। यातायात नियमों का पालन करते हुए आपको देरी जरूर हो सकती है, लेकिन आप सुरक्षित अपने परिवार के बीच पहुंचते हैं। ऐसे में जल्दबाजी की वजह से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए सावधानी पूर्वक सुरक्षित यात्रा करें। कार्यक्रम के दौरान यात्री कर अधिकारी इरशाद अली, गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन संयोजक सुशील कुमार मिश्रा, पन्नेलाल यादव सहित अन्य पदाधिकारी और ऑटो चालक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, आरटीओ अनिता सिंह और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री व गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के संरक्षक इंजीनियर पी के मल ने कहा, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हमारे परम मित्र करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ संत संख्या में शास्त्री चौक पर पधारे तमाम ऑटो चालक जो अपनी धन्यवाद देता हूँ। और इसी कड़ी में के अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेटली जी के प्रतिनिधि मैं आग्रह करता हूं कर जोरदार स्वागत करें उनका, जिनके प्रमोशन के बारे में अभी बता रहे थे आदरणीय अध्यक्ष जी। ट्रैफिक सुरक्षा, ये यातायात में बड़ा महत्व है सुरक्षा का, और लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित सड़क पे चलें, इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए आज ऑटो एसोसिएशन के लोगों ने कार्यक्रम रखा है। सरकार की योजना है कि हर जन तक एक सुरक्षा का वातावरण पैदा किया जाए, क्योंकि हम दिन में प्रतिदिन 3 से 4 घंटे सड़क पे बिताते हैं या जिस साधन से भी चलते हों, इसमें हर किसी का महत्व है। इस प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग इस सड़क हादसे में मरते हैं, उनकी जान कैसे बचाई जाए। और केवल डेथ की बात नहीं है, इससे बहुत सारे स्ट्रेस भी लोगों के भीतर में होते हैं, ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने से, या फिर रोड रेज की बात होती है कि आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, टेंशन होता है, तो एक प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, हमारी 3 से 5% GDP इसमें कम हो जाती है ये रोड एक्सीडेंट्स के कारण में और रोड रेज के कारण से। इन सबको हमको ठीक करना है, इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर जगह सुरक्षा कार्यक्रम हो रहा है और गोरखपुर में ही कार्यक्रम हो रहा है। ये 21 जनवरी से 20 फरवरी तक पूरे महीने सड़क सुरक्षा सप्ताह के माह के रूप में परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ दिन समय पहले हमने बस यूनियन के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया था, ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा से किया था, आज ऑटो एसोसिएशन के माध्यमों से उनके चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने के लिए हम लोगों ने यह जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें से बड़ी संख्या में चालक और परिचालक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका यह मतलब है कि वो सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और आके अपने नियमों के प्रति वो सजग हो रहे हैं, ताकि वो सड़क पे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर सकें। सुरक्षा माह के तहत ये जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऑटो एसोसिएशन द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम सभी लोग आकर के यहाँ पर ऑटो चालकों को और उससे जुड़े हुए लोगों को यातायात के नियमों के संबंध में ब्रीफ कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपना अन्य कार्रवाइयाँ भी सुनिश्चित करेंगे जो इसका उल्लंघन करेंगे।